अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं ऑयल, माश की दाल, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, नमक, हल्दी, हरी मिर्चें, और इसको गार्निश करने के लिए हमें हरी मिर्चें और धनिया चाहिए। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक देचकी में हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। एक साइड पे हमने आधे घंटे के लिए माश की दाल जो है उसको सोक करके रखा हुआ है, कि मैंने आधा कप तेल डाल दिया है देचकी में। इसके बाद 3 से 4 प्याज लेके इसको हम देचकी में डाल देंगे और इसको हमने लाइट गोल्डन करना है। एक दफ़ा मैंने इसमें चम्मच चला लिया। अब जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको रखेंगे ऐसे ही। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज हो रहा है प्याज का। ये जो है ये बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हमने। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर जो हैं वो इसमें डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब टमाटर जो है वो घुल रहे हैं। साइड पे हमने मसाले रखे हुए हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/4 जो है वो ज़ीरा पाउडर, नमक हंसपे जायका और हल्दी 1 पिंच। ये चीज़ें हमने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर अपना पानी ऐड कर देना। ये मैंने इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल दिया। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये हो रहा है अभी। इसके बाद मैंने अपनी हरी मिर्चें डाल दी हैं जो कि 3 से 4 हैं। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला लीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिलाने के बाद मैं इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। ये 1 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया अंदर। एक दफ़ा इसको हिला लेंगे इस तरह से, और इसके बाद मैंने 1 ग्लास पानी जो है वो और ऐड किया है। ये देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं 1 कप दही ऐड करूंगी। 1 कप दही ऐड करके भी इसको अच्छी तरह से हिला लें और इसके बाद इसके अंदर मैंने अपनी माश की दाल जो है वो ऐड कर दी है। पानी में जब उबाल आएगा उसके बाद अपने साथ ही माश की दाल जो है वो ऐड कर देनी है। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें और इसको छोड़ दें दाल को गलने तक। जब तक दाल नहीं गल जाती, पानी नहीं खुश्क हो जाता, हम इसको पकने देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया जी। कवर करके हम वेट करेंगे पानी खुश्क होने का और दाल गलने का। कि मैंने इसका कवर उठा के देखा है 15 मिनट बाद, तो ये देखें पानी जो है वो खुश्क होने वाला है, दाल भी गलने वाली है। तकरीबन 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है और मैंने इसको बंद कर दिया। और ये 5 मिनट के बाद जो है ये हमारी दाल गल गई है और पानी भी खुश्क हो गया है। हमारी माश की दाल जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देख सकते हैं आप। चलें जी इसको डिश आउट करते हैं अब हम अपनी दाल को। और ये मैंने अपनी दाल जो है ये डिश आउट कर ली है, ये आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर मैंने गार्निश के लिए जो हरी मिर्च आपको स्टार्ट में दिखाई थी वो, और साथ में धनिया ऐड कर लिया है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे दाल के ऊपर हरी मिर्चें और धनिया जो है। ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट्स में बताना है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।